हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वर्त स्टडी। आज हम जानेंगे महत्तम समापवर्तक SCF के बारे में और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो SCF, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसी के जरिए हम समझेंगे कि ये क्या कहलाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, एलसीएम के अपोजिट होता है ना। इसमें क्या था, एलसीएम में था मल्टीपल और इसमें था फैक्टर, और उसमें क्या था, लोएस्ट है ना, लीस्ट था, और इसमें हाईएस्ट है। तो एससीएफ, अगर हम किसी संख्या का एससीएफ निकालें तो हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी वैसी संख्या जो कि क्या हो, उस संख्या को पूरी तरह से क्या हो, डिवाइड कर दे, है ना। जैसे अगर हम 8 कोई नंबर लेते हैं, 8 और 10 ले लेते हैं, इसका हमको क्या करना है, SCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी दो विधि होती है ना। तो पहले तो हम सबसे पहले कैसे करेंगे, नॉर्मल क्या करेंगे, 8 के फैक्टर निकालेंगे और 10 के फैक्टर निकालते हैं ना। कैसे, फैक्टर मीन्स गुणांक है ना इनके, जैसे गुणनखंड करते हैं इनके, 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब इसके क्या क्या आ गए, 8 के 2 गुणित 2 गुणित 2, ये आ गए। अब हम 10 के भी अलग निकालेंगे, कैसे, 2 पंचे 10 और किसी से नहीं जाएगा तो 5 एकम 5, और 10 के हमारे पास क्या आ गए, गुणनखंड 2 गुणित 5। अब क्या है, हमको इसके जोड़े बनाने पड़ते हैं ना, जैसे ऊपर वाले में कॉमन क्या है और नीचे वाले में, दोनों में हमको कॉमन वो करना है ना, निकालना है नंबर। तो देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम इसके जोड़े बना दिए, एक जोड़े ये बन गए, लेकिन और भी जोड़े नहीं बन रहे हैं, 2 यहां और भी नहीं है, है ना, 5 भी ऊपर नहीं है, है ना। तो जोड़े जो बनेंगे ओनली 2, मतलब इसका जो आंसर, मतलब SCF जो आएगा वो आएगा ओनली 2, है ना। क्या है SCF, 2। अब इसी नंबर का हम अगर एक और विधि से अगर निकालें, कैसे, अगर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 और 10, इसका डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वो निकालते हैं मल्टीपल, है ना। तो 2 से जाएगा 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, अब ये क्या होगा, अब ये हो गए अलग अलग, है ना। अब जब यहां जो है ये अलग अलग संख्या हो जाती है, मतलब 2 से 1 दोनों नहीं जा रहे हैं, यहां जो हमने ऊपर किया 2 से 8 भी जा रहा है, मतलब 2 से डिवाइड 8 भी हो रहा है और 10 भी हो रहा है, लेकिन यहां जो है नीचे ओनली 4 होगा 2 से, या फिर 5 से ओनली 5 होगा, तो जो हमारे पास SCF आएगा वो आएगा ओनली 2, है ना, 2 आ जाएगा। तो इससे हमने क्या किया, जब यहां अलग अलग संख्या हो जाए, मतलब कि एक ही संख्या से ये डिवाइड ना हो, तो इसको छोड़ देना है, और ऊपर जो भी हमने प्राप्त किया, जैसे यहां 2 लिया, 2 बस आया, तो 2 जो हो जाएगा SCF, अगर और एक और 2 हो जाता तो 2 गुणे 2 हो जाता, तो SCF हमारे पास क्या आया, ओनली 2। ये दो विधि हो जाती है, है ना। तो SCF कहलाता क्या है, देखो किसी भी नंबर्स के जो कॉमन रहते हैं, कॉमन क्या, फैक्टर, जैसे कोई भी हमने ले लिया था 8 और 10, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर मतलब 2 है, जो कि 2 से हम 8 को भी भाग दे सकते हैं और 10 को भी भाग दे सकते हैं, है ना। लेकिन कोई और नंबर अगर हम लें 8 और 10 में, अगर 2 के अलावा हम 4 लें, तो 4 से हम क्या करते हैं, 4 दूनी 8, लेकिन 10 को भाग नहीं दे सकते हैं, ओनली 8 को दे सकते हैं। अगर 3 लेते हैं तो 3 तो किसी को नहीं दे सकते हैं, मान लो हम लेते हैं 5, तो 5 हम क्या कर सकते हैं, 8 से भाग नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि 5 से 8 में भाग नहीं जाएगा, लेकिन 10 में चला जाएगा, मतलब अलग अलग जा रहा है। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो अगर हम 2 से 8 में भाग दें तो 4 बार चला जाएगा, 10 में दें तो 5 बार चला जाएगा, तो ये कहलाएगा 2 SCF, है ना। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी संख्या का SCF। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम महत्तम समापवर्तक SCF निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 25, 55 और 70 को पूरी तरह विभाजित कर दे, है ना, करे। तो हम क्या करेंगे, इसका SCF ज्ञात करेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना मतलब SCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसका हमको क्या करना है, SCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे SCF,
अगर SCF आ जाएगा मतलब कि यह पूरी तरह 25 को भी विभाजित कर देगा और 55 को भी और 70 को भी। कैसे? तो हम क्या करते हैं, पहले 25 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं ना, फैक्टर 25 के। तो अगर हम 3 से दें तो जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, है ना, तो सीधे 5 से जाएगा। तो 25 और 5 से फिर जाएगा, तो 5 एकम 5, ये हो गए। अब 55 के हम फैक्टर ज्ञात करते हैं, तो 5 से 3 से जाएगा, नहीं जाएगा 3 से, 2 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से देते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11, है ना, 11 आ जाएगा। तो अब 11 जो है किसी भी से नहीं जाएगा, 11 ओनली 11 से ही विभाजित होगा, तो 11 से हम इसको भाग देते हैं, तो 11 एकम 11। अब बचा 70, तो हम 70 का क्या करेंगे, 2 से देते हैं तो जाएगा, तो 2 इतिया 6 और बचेगा 1, 2 पंचे 10। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा, तो 5 7 35 और 7 जो है 7 से ही जाएगा, तो 7 एकम 7। अब हमारे पास क्या आ चुके हैं, 25 का आया है गुणनखंड हमारे पास, वो है 5 गुणित 5, और 55 का आया है हमारे पास 5 गुणित 11, और 70 का आया है हमारे पास 2 गुणित 5 गुणित 7। ये हमारे पास इन सभी के क्या हो गए, फैक्टर प्राप्त हो गए। अब हमको इसमें क्या करना है, हमने बताया था अभी SCF में कि इसके कॉमन ज्ञात करने हैं, कॉमन जो तीनों में मिले, है ना, अगर दो संख्याएं होती तो दो में मिलता, लेकिन यहां क्या है, क्या 3 संख्याएं, तो हमको तीनों में क्या है, कॉमन मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए 5 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। अब 2 इसमें है तो 2 तो इसमें है नहीं है, अब एक और 5 है लेकिन इसमें नहीं है 5, इसमें भी नहीं है 5, 11 भी नहीं है, मतलब ओनली 5 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, मतलब जो SCF आएगा वो हमारा क्या आएगा, 5। अब 5 एक ऐसी संख्या है जो 25 को पूरी तरह विभाजित कर देगा, 55 को पूरी तरह विभाजित कर देगा और 70 को भी पूरी तरह विभाजित कर देगा, है ना, तो ये SCF कहलाएगा। और क्वेश्चन भी हमको यही बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 25, 55 और 70 को पूरी तरह विभाजित कर दे। अब 5 के अलावा अगर आप कोई भी संख्या लोगे तो वो क्या है, इनको विभाजित पूरी तरह नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हम ले लेते 10 ले लेते हैं, तो 10 25 को विभाजित नहीं कर पाएगा, 55 को नहीं कर पाएगा, 70 को कर देगा। अगर हम 7 लेते हैं तो 7 ओनली 70 को विभाजित करेगा, 55 को नहीं कर पाएगा और 25 को भी नहीं कर पाएगा। मतलब 5 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसको पूरी तरह विभाजित कर पाए, ओनली 5 है जो कि हमारा SCF है, है ना। तो इस तरह से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है SCF से संबंधित। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, भिन्नों को हमको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक सूत्र होता है ना, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता क्या है, जैसे अगर हमको भिन्न है तो इसका हमको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको अंश का महत्तम समापवर्तक और हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, है ना। कैसे, इसका सूत्र क्या होता है, भिन्नों का हम यहां लिख देते हैं, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक, है ना, निकालने के लिए अंश का क्या, अंश का महत्तम समापवर्तक और हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, है ना, लघुत्तम समापवर्तक ये निकालना पड़ेगा। मतलब अंश का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और इन दोनों को क्या लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इसका पूरा महत्तम समापवर्तक, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं अंश का महत्तम समापवर्तक। तो अंश में क्या क्या है, 14 है, 42 है और 21 है, 14 42 और 21। तो हम इसका क्या करते हैं, 14 का क्या निकालते हैं, गुणनखंड। तो 14 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से जाएगा, 2 7 14 और ये 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7। अब 42 का निकालते हैं, तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2।
अब ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से चल जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब हमारे पास है 21, तो 21 को भी हम निकाल लेते हैं, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब हमारे पास आ गए क्या क्या, 14 के आए हैं 2 गुणे 7 और 42 के आए हमारे पास फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 7 और 21 के आए हमारे पास 2 गुणे 7 सॉरी 3 गुणे 7। अब हमारे पास क्या क्या कॉमन है, देखो 2 इसमें है, 2 42 वाले में भी है लेकिन 21 में नहीं है 2, और इसमें 7 है 14 में, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है ना, लेकिन 3 जो है 2 में मिल रहा है और 2 2 में मिल रहा है, तो ओनली 7 जो है तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो हमारा एस सी एफ क्या आया, मतलब महत्तम समापवर्तक क्या आया, 7। ये हमारे पास महत्तम समापवर्तक आ गया अंश का। अब हमको चाहिए क्या, हर का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब हर में हमारे पास क्या है 33 55 और 22, ये हमारे पास किसका है, हर में। अब इसका हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक, तो ये काहे से जाएगा, 2 से जाएगा, 22 है क्योंकि, तो 33 तो जाएगा नहीं, तो 33 को 33 लिखो, 55 को 55 लिखो और ये चला जाएगा 11 बार। अब काहे से जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा, हाँ 3 11 33 होता है ना, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और 5 तो नहीं जाएगा, कितना जाएगा 3 नहीं जाएगा, 55 को 55 लिखो, 11 भी नहीं जाएगा। अब 5 से चला जाएगा, 5 से जाएगा ना, क्योंकि 55 है तो हम 5 से देते हैं, 11 तो जाएगा नहीं, 55 चला जाएगा तो 11 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ भी 11 ही है। अब हमारे पास 11 11 11 है जो कि 11 से ही जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और 11 एकम 11, ये हमारे पास आ गए। तो हमारे पास लघुत्तम क्या आया है, एल सी एम 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 11, मतलब 2 इतिया 6 और 6 पंचे 30 और 30 11 कितना होता है, 30 में 11 का हम गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 11 0 और 11 3 33, मतलब 330। हमारे पास एल सी एम क्या आया है, 330, ये एल सी एम आया। और हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या है, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक बराबर होता है अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक। तो हमारे पास क्या है, महत्तम समापवर्तक आया हमारा 7, मतलब 7 बटे क्या आया है, 330 बटे 330, ये आ गया हमारे किसका, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक, है ना, एस सी एफ, और यही हमारा क्या है, आंसर भी है। तो इस तरह से क्या करते हैं, भिन्नों का क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दशमलव के क्या निकालते हैं, एस सी एफ, तो वो हम निकाल रहे हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है दशमलव से संबंधित, मतलब हमको दशमलव का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कितना है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 0.36 और 1.2 और 4.8, इसका हमको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो हम इसको एक एक से क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं भिन्नों में, है ना, कैसे, जैसे 0.36 है, अब इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखो 36 को 36 लिखेंगे और बटे में हम क्या कर देंगे, पॉइंट का एक लगाएंगे और जितने पॉइंट के बाद संख्या उतने जीरो लगा देंगे, मतलब 3 और 6 है, मतलब दो संख्या है, तो दो संख्या है तो हम क्या कर लेंगे, दो जीरो लगा देंगे, है ना। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है 1.2, तो हम इसको भी भिन्न में बदलेंगे, कैसे, 12 लिखेंगे, पूरा टोटल लिखना है और बटे में क्या करना है, पॉइंट का एक लगाएंगे और दो बस है, मतलब एक संख्या है तो एक जीरो लगा देंगे। अब नेक्स्ट है 4.8, तो इसको भी हम बदलेंगे अगर, तो 48 लिखेंगे और दशमलव का एक लगाएंगे और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लगाएंगे, तो एक जीरो लगा दिए, 8 है मतलब एक है तो एक जीरो लगा दिया। अब ये हमारे भिन्नों में कन्वर्ट हो गए, अगर हम इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, कैसे, दो से काटेंगे तो दो एकम दो और बचा यहाँ एक, दो अट्ठे 16, और यहाँ हम काट देंगे तो 50 हो जाएगा, अभी भी 2 से चला जाएगा, 2 25म और 2 नाम 18, मतलब आ जाएगा हमारे पास क्या, 9 बटे 25, ये हमारे पास आ जाएगा। और
और यहां भी हम दो से काटेंगे, दो छिंग 12, दो पंचे 10, मतलब 6/5 यहां भी आ जाएगा हमको। और इसको अगर हम दो से काटेंगे, दो दूनी और दो चौके 8 और यहां दो पंचे 10, मतलब 24/5 ये संख्या हमारी सरल हो गई है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे भिन्नों वाले महत्तम समापवर्तक निकाले हैं, इसी तरीके से हम इसको भी निकालेंगे, मतलब अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक। मतलब अंश में हमारे पास क्या क्या है, 9 और यहां आया 6/5 है ना, ये तो 6 अंश में है और 24 है अंश में। अब इसको हम अलग अलग निकालेंगे, तो 9 का अगर हम निकालेंगे तो आएगा हमारे पास गुणनखंड 9, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 3 9 और 3 1 3 मतलब आ गया। अब 6 के हम निकालें तो 2 से जाएगा 2 3 और 3 1 3 और 24 का हम निकालेंगे गुणनखंड तो आ जाएगा 2 से जाएगा 2 1 2 2 2 4 फिर भी 2 से चल जाएगा 2 3 6 अभी भी 2 से चला जाएगा 2 3 6 और 3 1 3 ये आ गया। हमारे पास क्या क्या आया, 9 के गुणनखंड आए हैं 3 × 3 और 6 के गुणनखंड आए हैं 2 और 3 तो हम इसको 2 और 3 ये लिख दिए। और 24 के आए हमारे पास 2 और 2 और 2 और 3 इसको हम गुणित में कर देते हैं सबको, करेंगे कॉमन ढूंढेंगे तो इसमें 3 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। अब 2 जो है पहले वाले में नहीं मिल रहा, दूसरे में मिल रहा है और तीसरे में मिल रहा है, लेकिन हमारे को तीनों में मिलना चाहिए, तो हमको क्या मिला है, 3 मिला है तीनों में, तो इसका एचसीएफ जो आया वो क्या आ गया, 3। अब हमको क्या करना है, हर का लघुत्तम समापवर्तक है ना, हर का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हर में हमारे पास क्या क्या है ये देख लेते हैं, तो 25 है, हमने कन्वर्ट किया था ना, तो 9/25 हुआ था काट पीट के, तो हमारे पास हर का है 25 और इसमें है 5 और इस पे भी है क्या 5, तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो निकालते हैं हम, तो ये जाएगा किससे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5×25 5×5 5×5 और 5×5 5×1 1×1 मतलब आया हमारे पास क्या, 5×5 मतलब 25। ये हमको क्या प्राप्त हो गया, एलसीएम। अब जो सूत्र क्या था हमारे पास, अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ बटे एलसीएम, तो 3 आया हमारे पास एचसीएफ, तो 3/25 ये हो जाएगा हमारा आंसर, किसका, दशमलव का महत्तम समापवर्तक के लिए क्या आया हमारा, 3/25 3/25। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमको दिया था पॉइंट में, मतलब दशमलव में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, 3 से हम दे देंगे 25 से भाग, 3 को 25 से भाग, तो 3 है और 25 है, तो यहाँ तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30 है ना, 1 0 आ जाएगा ना पॉइंट का, तो 25 से कम 25, यहाँ बचा 5, एक और 0 ले लेंगे तो 2, मतलब 50, 25 × 50 और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब आएगा हमारे पास क्या, इसका आंसर 0.12 है ना, 0.12 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर। इसी तरह आपको क्या करना है, भिन्नों के और पॉइंट वाले क्वेश्चन को क्या करना है, अगर एचसीएफ निकालने को बोले तो इसी विधि से हमको करना है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।